सिमा मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वॉर्म वेलकम टू योर 91.9 फ्रेंड्स एफएम। बहुत अच्छा लग रहा है, एक ऐसे लोकेशन में इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जो हमेशा याद रही। कुछ कहना चाहेंगे? ये मूवीटा नहीं जुड़ी एक बोल ना, बांग्ला हिंदी दोनों मिक्स करी एक कदा बोलबो। देखो ये ना, ये प्लेस इटसेल्फ इज अ हिस्ट्री और इन अ हिस्टोरिकल प्लेस और फॉर मी आई एम ऑनर्ड, यू नो, लाइक ये जी जानते पड़ी कि ये चेयर है, यू नो, अरे सत्यजीत रे, मृणाल सेन, यू नो, ऋतिक घट, ये बड़ो बड़ो एक्टर एक्ट्रेस, लेजेंडरी एक्टर्स, तो आई एम ऑनर्ड। आई निजे के रियलि थैंकफुल बोली कि आई डिसाइडेड टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म Kolora Corporation. So and the script is brilliant. खूब भालो छूट मैंने खूब very thoughtfully, very well written script. खूब डिटेल लिखे छे प्रत्येक कैरेक्टर तो clearly, you know, like anybody can connect. और खूब भालो भालो brilliant actors cast करे छे and each and every department they are like a family and you know like intelligent, hardworking, honest ensemble ache ekta which brilliant group ekta hoyeche je I feel like to I should regularly should be part of a repertory company in matlab okay to ma'am hamesha humne aapko dekha hai ki aap bahut hi alag characters mein hamesha nazar aati hai to ye character jab story jab sunayi gayi to sabse pehle aapka reaction kya chilo mane ki jinis te apna sabse beshi bhalo laglo sabse beshi bhalo laglo je script ta bhalo ami jani protagonist ke you know the script itself is so brilliant script so I feel like I should be part of it. My role is small, big, hardly matter, but it's a complete, very interesting character. ऐसा भी नहीं कि आया गया रोल या कोई ये नहीं है, उसका एक layers है, तो बहुत ही interesting character है। तो पहला तो मुझे वही है, मैंने पहले भी बोला कि अरोरा फिल्म कॉर्पोरेशन ये मेरे को अट्रैक्ट किया, दूसरा ये स्क्रिप्ट मुझे, तीसरा ये जो न्यू जनरेशन है सर FTI के जो बच्चे हैं, इतने ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो, आई एम श्योर कि वो लोग नए थॉट, नए ट्रीटमेंट के साथ, नए अंदाज से आएंगे, कुछ काम करेंगे, सो आई विल लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट। तो जब अल्टीमेटली आके काम शुरू किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट वॉज़ ए वेरी गुड डिसीजन। सो ओवरऑल ये सब रीज़न था। आखिरी सवाल पूछूंगा, करीब 40 लाख लोग आपकी आवाज़ इस वक्त फ्रेंड्स एफएम रेडियो पे सुन रहे हैं, जरा जरा भालो किसी कोते चाहे, जरा बडिंग एक्टर्स अच्छे जरा किसी कोते चाहे, तारे जो एक मैसेज की था कि क्वालिटीज होवा उचित एक अच्छे एक्टर में। इस अच्छे एक्टर के लिए मैं हमेशा ना कभी कभी अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए ना ऐसे कहीं जैसे कोई गांव के कोने में जहाँ उनको ऐसा एक्सपोजर नहीं है, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा या FTI में ज्वाइन नहीं कर सकते, तो उनके पास उनके साथ रहती हूँ मैं 10-15-20 दिन ऐसे ही, मैं टाइम पास मतलब पूरा। और मेरा एक इच्छा ही है अभी कि जो लोग इस तरह से मौका नहीं मिलता सीखने के लिए और जिसको एक इच्छा है कुछ बनना है, तो उनको मैं हमेशा कहती हूँ देखो तुम ये बनना चाहते हो कलाकार या एक्टर बनना चाहते हो, ये डॉक्टर ने नहीं कहा, आपने खुद डिसाइड किया है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी सिंसियर, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू वर्क सो मच हार्ड डे एंड नाइट, बट एट द सेम टाइम ग्राउंडेड रहना ज़रूरी है। एंड एक्टर के लिए पूरे शरीर एक कैपिटल है, तो फिटनेस का मतलब ये नहीं कि आपका मसल बढ़ाना है और जिम में जाना है, तो आपका वो डिसिप्लिन जो आपका क्या प्रॉपर खाना चाहिए, क्या किससे आपके हेल्थ को नुकसान हो सकता है, वो सब खाना पीना आपको छोड़ना होता है। एंड साथ साथ बहुत अच्छी अच्छी फिल्में देखो और जो फिल्म में परफॉर्मेंस इम्पॉर्टेंट होता है उस पर ध्यान दो। तो एक फिल्म देखते टाइम या कोई भी एक स्टोरी पढ़ो तो उस पर आपका नज़र ये रहना चाहिए कि परफॉर्मेंस कैसे हो रहे हैं अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, एट द सेम टाइम कैसे फिल्म बनाते हैं, किस एंगल में, क्या कैमरा, क्या मूवमेंट, क्या ट्रीटमेंट है, स्टोरी लाइन, हाउ दे आर नैरेटिंग द स्टोरी, ये सब बहुत चीज़ें आपको देख देख के। और आजकल के जनरेशन तो इतने लकी हैं कि ये सब कुछ मिल जा रहे हैं कि एडवांस में सब कुछ मिल जाता है, हमारे टाइम पे तो ये एक्सपोजर था ही नहीं हमको सीखने के लिए, बस पर्सन टू पर्सन हम मिलते हैं तो या काम के ज़रिए जो भी एक्सपीरियंस गेन किया। तो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गए कि
आप बस when there is a will there is a way. Absolutely. ऐसा तो वो ही है कि मछली की आँख में नजर रखो, जैसे अर्जुन ने है ना, जो जब अर्जुन को पूछा गया, जब उन्होंने लक्ष्य भेद किया था तो उनको पूछा गया था आप क्या सोच रहे थे, जबकि सबको जब बाकी राजकुमार जब हार गए थे इसमें उनको पूछा गया था तो उन लोगों ने कहा था, बाकी राजकुमार ने लोगों ने कि मैं सोच रहा था मैं तो जीतूंगा, मैं राजा बनूंगा तो ये करूंगा ये, बट अर्जुन को जब पूछा गया कि जब तुमने लक्ष्य भेद का एम किया था तो तुमने क्या सोचा था, तो उन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं सोच रहा, मेरी सिर्फ नज़र मछली की आँख के नज़र मणि पे था। तो वही है कि आपका एम अगर क्लियर, यू हैव टू बी, आजकल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल वर्ल्ड इतने ऑप्शंस होते हैं ना, यू गेट कंफ्यूज, बट यू हैव टू बी क्लियर, यू हैव टू वर्क हार्ड और उसका तरीका आप ढूंढ लो कि कैसे मुझे उस मछली की आँच तक पहुँचना। थैंक यू सो मच, यू हैव माय मोबाइल से बातें करने, गुड लक फॉर मॉन्टेगो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम मी, बैक टू स्टूडियो।